हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? 9 दिसंबर 2023, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए सेशन पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की? तो यह थाईलैंड। थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर से 10 मई तक भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। इस कदम से थाईलैंड में अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने और देश के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारत का कौन सा राज्य तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट्स की श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है? तो यह केरला। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट्स की श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है। ये माइक्रो साइट्स राज्य की समृद्ध विरासत और इसके प्राथमिक धार्मिक स्थलों के बारे में विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्रदान करेगी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह सुनामी और तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। सुनामी बड़ी लहरें हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण हो सकती है। वे बहुत तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं, 100 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। सुनामी बहुत विनाशकारी हो सकती है और बड़े पैमाने पर क्षति और जीवन की हानि का कारण बन सकती है। नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह है बंकिंगम शेयर, यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा के संचालन की घोषणा की है? तो यह है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। किस संगठन ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर इनकोर डिज़ाइन किया है? तो यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनकोर वास्तविक समय पर्यावरण पर संचार सक्षम करना एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों के नामांकन, हलफनामे, मतदाता मतदान, गिनती परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए एक निर्बाध सुविधा प्रदान करता है। इनकोर चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है। अरब दुनिया के बाहर सबसे अधिक फिलिस्तीनी आबादी किस देश में है? तो यह है चिली। आज फिलिस्तीनी मूल के 4,50,000 से 5 लाख चिली वासी हैं, जिनमें से कई यरूशलेम से लगभग 13,220 किलोमीटर दूर चिली की राजधानी सेंटियागो में रहते हैं। 150 वर्षों और एकीकरण, उत्पीड़न और पहचान की बातचीत के जटिल इतिहास के माध्यम से चिलिस्टीनियन की एक अलग पहचान उभरी है। वह कौन सा वायु प्रदूषक है जो टाइप 2 मधुमेह के विकास के बढ़ते जोखिम से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। PM2.5 छोटे कण हैं जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। एक बार रक्त प्रवाह में PM2.5 अग्नाशय सहित शरीर के सभी हिस्सों में जा सकता है जहां इंसुलिन का उत्पादन होता है। 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया था कि वार्षिक औसत PM2.5 10 माइक्रोग्राम M3 का अंतर टाइप 2 मधुमेह के विकास में 9 से 36% अधिक जोखिम से जुड़ा था। यह अध्ययन भारत में आयोजित किया गया था जहाँ दुनिया में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। टाइप 2 मधुमेह और वायु प्रदूषण के बीच संबंध PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। सॉरी, 2023 में केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है टी पद्मनाभन, इनको सम्मानित किया गया है। 2023 में केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। पद्मनाभन उपन्यास, लघु कथा और निबंध के प्रसिद्ध लेखक हैं। यह एक अनुवादक और आलोचक भी हैं। उनकी रचना को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पद्मनाभन को आज मलयालम साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माना जाता है। कैसा लगा आपको ये 9 तारीख़ का सेशन? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।